प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से प्रौद्योगिकी का जनक बन रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से रोजगार को लेकर भारत का दौर अब बदल रहा है और सरकार ने अगले 2 वर्षों में रोजगार का आंकड़ा 1 करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य रखा है। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि भविष्य में रोजगार बढ़ाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार की योजना क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के जरिए भविष्य में नौकरियां सृजन करने की योजना बनाई है। दरअसल डिजिटल अर्थव्यवस्था के 3 बड़े स्तंभ हैं। वे हैं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, आईटी तथा आईटी संबंधित क्षेत्र और स्टार्टअप। इन क्षेत्रों ने लगभग 90 लाख नौकरियां दी हैं। इस बारे में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप और आईटी तथा आईटी संबंधित सेवाओं में अगले 2 वर्षों में रोजगार का आंकड़ा 1 करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये क्षेत्र आने वाले समय में काफी मजबूत रोजगार के अवसर पैदा करेगा। भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सबसे ज्यादा स्टार्टअप पर ध्यान दे रही है। भविष्य में स्टार्टअप का केंद्र गांव होंगे और अगले कुछ बड़े स्टार्टअप ग्रामीण इलाकों से निकलेंगे। वर्तमान में भारत में 75,000 स्टार्टअप है। 49% स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों से है, यानी मंझोले और छोटे शहरों से। स्टार्टअप के लिए 64 मझोले और छोटे शहरों में हर तरह की सुविधाओं से युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही केंद्र अगली पीढ़ी के इंक्यूबेशन सेंटर योजना के तहत स्टार्टअप को 5 से 10 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी लोन के तहत दे रहा है। तो वहीं 2025 तक 300 स्टार्टअप को फंड देने का लक्ष्य भी रखा गया है।